है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज सैनफोर्ड प्री स्कूल नवीनगर में कलरिंग कंपटीशन का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल के छोटे छोटे 30 बच्चों ने अपने माता पिता के साथ आकर स्कूल में हिस्सा लिया। दिल्ली सैनफोर्ड हेड ऑफिस से आए हुए मुख्य अतिथि ज्ञान प्रकाश ने बच्चों को ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप के बारे में बताया और बहुत कुछ सिखाया भी। सैनफोर्ड स्कूल के प्रबंधक अभिलाषा टंडन और रोहन टंडन ने बताया, रेनी सीज़न पर कलरिंग का कंपटीशन नहीं बल्कि एक मकसद है, बच्चों को सिखाना कि रेनी सीज़न में हमें क्या करना होता है। आए हुए सभी बच्चों को उपहार दिए गए और सभी बच्चों ने विभिन्न प्रकार के खेल भी खेले। माता पिता भी आनंदित हुए। इस मौके पर प्रमुख रूप से ज्ञान प्रकाश, अभिलाषा टंडन, रोहन टंडन, अध्यापिका दीप्ति, हर्षिता, नाजिया व उपस्थित रहे सभी बच्चे। देखिए ये खास रिपोर्ट कानपुर से। इस स्कूल में कार्यक्रम किया गया, किस तरीके का कार्यक्रम किया गया बता दें। सर, मेरा नाम कीर्ति भाटिया है और मैं यहाँ की कोऑर्डिनेटर हूँ और हमारे स्कूल में आज कलरिंग कॉम्पिटिशन हुआ है, जिसमें छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? सर, प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं सर। तो इसमें क्या कुछ बच्चों को प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं आज? मैं अभिलाषा टंडन, सैनफोर्ड हाई स्कूल कैपेटिव कानपुर के डायरेक्टर। आज हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था अपने स्कूल में 4 बजे से, जिसमें बच्चों ने कलरिंग कॉम्पिटिशन किया था। उसमें थीम थी रेनी सीजन, क्योंकि बारिश का मौसम है, बच्चों को रेनी सीजन के बारे में इंट्रोड्यूस कराया हमने। हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, हम बूट्स पहनते हैं, कैसे बारिश में बच्चे नहाते हैं, उसके बारे में हमने थीम रखी थी। बच्चों ने इसमें बहुत इंजॉय किया। जो बच्चे थे वो किस एज के थे और कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया आज? बच्चों की एज ग्रुप स्टार्ट होती है 2 साल से और 6 साल तक के बच्चों ने किया था। और कितने बच्चे आए थे लमसम? लमसम 30 बच्चे। आज आपके यहाँ कोई चीफ गेस्ट भी आए हुए थे? जी, हमारी दिल्ली टीम से ज्ञान सर आए हुए हैं। उन्होंने ये थीम को बहुत अच्छे से प्रमोट कराया बच्चों के बीच में और बहुत बच्चों ने इंजॉय किया सर की वजह से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में भी और इस स्कूल में भी। तो सर, कैसा लगा आपको कानपुर आके और यहाँ के बच्चों से मिलके कैसा लगा सर आपको? यहाँ के बच्चों से मिल करके बहुत अच्छा लगा, कानपुर आके भी बहुत अच्छा लगा और काका देव ब्रांच भी बहुत अच्छी बनी हुई है और यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने अभी पार्टिसिपेशन करवाया सब बच्चों का, उसमें एक्टिविटी जो कराई रेनी सीजन पे, जैसा मैंने बताया बच्चे काफ़ी अच्छा उसमें कलरिंग कंपटीशन में भाग लिया और काफ़ी अच्छा कलर किया उन्होंने। और हमने एआर टेक्नोलॉजी पे जो हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी का जो ऐप है उसको हमने बच्चों को दिखाया और बच्चे उस पर भी काफ़ी इन्जॉय किया। क्या कुछ पेरेंट्स भी आए थे, उनसे भी वार्तालाप करी, कुछ बताया? पेरेंट आए थे उसमें, काफ़ी पेरेंट भी थे जिनसे हमने बात करी। पेरेंट ने भी इस ऐप को काफ़ी अच्छा बताया कि ये ऐप ऐसी है कि इसमें इसके थ्रू बच्चों को हम मोबाइल से कैसे मतलब कि दूर कर सकते हैं। लाइक मोबाइल पे बच्चे जा कर के गेम खेलते हैं और इस ऐप के थ्रू बच्चे जो है मोबाइल पे गेम खेलते खेलते कुछ सीख जाएँ। तो इस तरह से जो है मोबाइल ऐप एक ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी सिस्टम है जिसमें कि मोबाइल ऐप है ये और इस पर जो है कि बच्चे जो है जो अलग गेम होती है जिसपे कि वो अपना दूसरी तरफ राउट हो जाते हैं उससे हट करके कुछ हमारे इस ऐप पे आकर के अपना जो है सारे काम करना सीख जाएंगे। जैसे कि जैसे ट्रेसिंग हो गई, कलरिंग हो गई और उस पर जो है कि 3D व्यू पूरा अपना पाठ्यक्रम कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस ब्रांच को, मैम को क्या कहना चाहेंगे? इस ब्रांच को और मैम को धन्यवाद ही देना चाहूँगा कि इन्होंने काफ़ी अच्छा ये एक्टिविटी प्लान किया और हमें उन्होंने इनवाइट किया और ये पूरी एक्टिविटी हमने कराई। हाँ भैया, जो आज यहाँ पे कंपटीशन कराया, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा और क्या बच्चों को कुछ गिफ्ट भी दिए और जो पेरेंट्स आए थे उनसे आप इंटरेक्ट हुए, कैसा रहा फीडबैक? जी, करीबन आज 30 से 35 बच्चे आए हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करा और साथ में उनके पेरेंट्स भी आए थे जिन्होंने, जैसे कि जो हमारे ज्ञान सर आए हैं AR टेक्नोलॉजी का डेमो देने, तो पेरेंट्स को भी बहुत अच्छी लगी।
तो उससे वो मोटिवेट हुए कि स्कूल में एडमिशन कराएंगे आगे के लिए, और उस पर काम हुआ अच्छे से। मैम क्या कहना चाहेंगे आज के इस कंपटीशन को लेकर, और जो आपके चीफ गेस्ट आए उनको उनसे मतलब कैसा रहा आज का पूरा दिन? बेसिकली मैं तो यही कहना चाहूँगी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बिकॉज एक तो पहले उनको थीम अच्छी मिल गई क्योंकि आज बारिश भी हुई थी, और बच्चों ने इंजॉय बहुत किया क्योंकि उनको जो है ऑगमेंटेड रियलिटी से चीज़ों को 3D मोड में देखने का तरीका जो सर ने सिखाया, और सर को मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं सीख पाते हैं ऐसे नॉर्मली, बट सर ने उनको एक डेमो देके ये चीज़ सिखाई तो वो घर में जाके अपने पेरेंट्स को भी ऐसे सिखाएंगे।